मेरी माँ की बात जिक्र हमेशा आप लोग करते हैं लेकिन मेरे पापा जो आर्मी में आज भी ड्यूटी में कभी आप मेरे माँ को भी आपने देखा हर जगह देखा है मुझे हर जगह देखा लेकिन मेरे पापा को कभी नहीं देखा उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि हाँ जब पहले देश फिर उसके बाद मेरा बेटा मुश्किल से मैं बोलूँगा एक भयानक माहौल था हमारे लिए जिस तरह हमारे घर का कुर्की कर देना आ, मैं दिल्ली में रहता हूँ वहाँ तक पुलिस जाना मेरा भाई ने मेरे भाई के नाम पर एक आदमी ने टू ट्राइड बनाया उस ट्विटर आईडी से फर्जी तरीके से एक फर्जी पोस्ट कर दिया इतने जल्दीबाजी में बिहार पुलिस ने एफ आई आर थी और उनके आंसू में भी आंसू आँखों में भी आंसू था शायद वो अपने बच्चे को नौ महीना एक तो पेट में रखती है दूसरी नौ महीने से वेट कर रही है अपने बच्चे को देखने के लिए जो खुद उसका खुद का बच्चा नहीं है पूरा बिहार का आजकल बच्चा बन चुका है देखिए भगवान होते हैं दूसरे तो जज थे कभी भी मुझे डर लगता था लगता था कि हाँ नहीं एक न्यायालय है तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर फर्जी वीडियो बनाने के मामले में मनीष कश्यप परेशान थे उन जेल में बंद थे और अब उनकी रिहाई हो गई है उनको उनकी जमानत याचिका जो है वो मंजूर हो गई है ऐसे में हमारे साथ हैं उनके भाई करण कश्यप उनसे बात करेंगे जी सच में बहुत खुश हूँ और मेरी माँ भी मैं अपनी माँ को भी मैं फ़ोन किया था जब बेल का ऑर्डर मिल चुकी थी उसके बाद मैं माँ को फ़ोन किया माँ भी खुश थी और उनके आंसू में भी आंसू आँखों में भी आंसू था शायद वो अपने बच्चे को नौ महीना एक तो पेट में रखती है और दूसरी नौ महीने से वेट कर रही है अपने बच्चे को देखने के लिए जो खुद उसका खुद का बच्चा नहीं है पूरा बिहार का आजकल बच्चा बन चुका है उसके कोक से तो पैदा हुआ है लेकिन उसकी जो जो मनीष पैदा हुआ उसका पूरा रिस्पॉन्स पूरे बिहार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है उसको लगता है कि बिहार ही मेरा पूरा परिवार है तो वो भी मेरी माँ भी खुश थी मैं भी खुश था और पूरा बिहार वाले भी, भी आज खुश है कितना मुश्किल कितनी मुश्किल की घड़ी थी जब जेल जा रहे थे उस वक्त भी काफ़ी लोग भावुक हुए थे कितना मुश्किल था वो इतने समय इतने दिन मैं मुश्किल से मैं बोलूँगा एक भयानक माहौल था हमारे लिए जिस तरह हमारे घर का कुर्की कर देना आ, मैं दिल्ली में रहता हूँ वहाँ तक पुलिस जाना आ, मेरे रिलेटिव थे मेरे दोस्त थे मेरे फ्रेंड थे जितने भी थे उन लोग को फ़ोन कर परेशान करना तो एक भयानक माहौल था शायद भगवान न करे आपके परिवार में हो मेरे परिवार में या बिहार किसी के परिवार में ऐसा माहौल क्रिएट ना हो क्योंकि हर माँ सोचती है कि मेरा बेटा मेरे पास रहे लेकिन माँ उस आँखों में आंसू नौ महीने तक आँखों में आँसू आना जिसका आ, जो इल्ज़ाम लगा था वो इल्ज़ाम उस मतलब वो काम किया ही नहीं था तो भगवान न करे किसी भाई पे किसी माँ के बेटे पे ऐसा एन थोपा जाए और ऐसे फर्जी केस किया जाए से भी लगा और लगातार मुकदमे पे मुकदमे बढ़ते गए क्या जी इस मामले में टोटल बारह एफ आई आर हुई है सुन के ही डर लगता है आ, वो भी तमिलनाडु में मल्टीपल जगह पे जो दो सौ कोई दो सौ किलोमीटर दूर पे है कोई तीन सौ किलोमीटर दूर पे कोई पाँच सौ किलोमीटर दूर पे आ, वहाँ पे जाना वहाँ पे किस तरह कठिनाइयों का सामना करना हमें पता है हमारे परिवार वालों को पता है आ, बिहार में भी चार एफ हो चुकी थी एक एफ मैं आपको बोलूँगा तो आपको हंसी आएगी मेरा भाई ने मेरे भाई के नाम पे एक आदमी ने ट्विटर आईडी बनाया उस ट्विटर आईडी से फर्जी तरीके से फर्जी पोस्ट कर दिया इतने जल्दीबाजी में बिहार पुलिस ने एफआईआर कर दिया था तो एक डर था कि हाँ जब मैं कुछ बोलूँ चाहे हम लोग कुछ भी करें तो एक और एफ ना आ जाए तो हम लोग गिनती भी भूल चुके थे कितने इतने एफ़ हो चुके हैं लेकिन फिर भी भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है एक, एक भगवान हमारे जज साहब भी थे जो आज हमें न्याय दी है डर के में आप लोग इतने दिन जी रहे थे बिल्कुल बिहार में एक डर के में हम लोग सच में मेरा परिवार जी रहा था आज तक न्यायालय पे भरोसा था की हाँ जमानत मिल बाहर आ जाएंगे भाई। एक भगवान होते हैं और दूसरे तो जज थे कभी भी मुझे डर लगता था लगता था कि हाँ नहीं एक न्यायालय है एक जज रूपी एक भगवान है जो हमें इंसाफ देंगे हमारे आंखों का आंसू का जो पूछने वाले एक भगवान रूपी जज भी है और हम इंसाफ देंगे हम लोग खुशी का पल एक दिन ना ना एक दिन, एक दिन दिन आएगा ही जरूर जब मनीष पर आरोप लगा था तो माँ के साथ उन्होंने वीडियो भी बनाया था तो माँ मा को भी बहुत खुशी होगी हु, इस समय मैं तो यहाँ पे हूँ और से बात हुई फोन पे नहीं अभी हाँ मेरी बात हुई है माँ भी इस समय खुश है आ, चेहरे पे उनको भी मगर मुस्कान आई है आ, मेरी माँ की बात जिक्र हमेशा आप लोग करते हैं लेकिन मेरे पापा जो आर्मी में आज भी ड्यूटी में कभी आप मेरे माँ को भी आपने देखा हर जगह देखा है मुझे हर जगह देखा लेकिन मेरे पापा को कभी नहीं देखा उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि हाँ जब पहले देश फिर उसके बाद मेरा बेटा कभी किसी कोर्ट में उन्होंने एक तस्वीर भी आप नहीं देखे होंगे कभी आए भी नहीं बोले कि हाँ मेरा बेटा अगर गलत किया होगा तो सजा मिलेगी नहीं गलत किया हो तो जरूर बड़ी होगा लेकिन मेरे पापा ने कभी अपना सबसे पहले देश सुना फिर उसके बाद बेटा सुना लेकिन वो भी नौ महीने से सिस्कारी लेकर रोते होंगे और याद करते होंगे अपने बेटे के लिए जो जुर्म नहीं किया था वो जुर्म का सजा नौ बजे से काट रहा था क्या लगा था जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा था पुलिस की ओर से तो क्या साजिश थी या फिर आ, मैं क्या बोलूँ जो जुर्म किया ही नहीं था वो सजा पा रहा था तो मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ मुझे उतना नॉलेज नहीं है लेकिन हाँ साजिश तो हुई है सच में लंबे समय के बाद भाई से मिलेंगे बहुत बड़ा अनुभव रहेगा उस दिन वो शायद क्या होगा माहौल उस दिन वही भगवान करे कि अच्छा माहौल हो आ, किसी की आंखों में आंसू ना आए क्योंकि नौ महीने से मेरा भाई मेरे परिवार से दूर रहा है हमारे साथ थे मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप जिनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं क्योंकि लंबे समय के बाद उनके भाई जेल से बाहर आ रहे हैं और ऐसे में खुशियाँ परिवार में व्याप्त विशाल भारद्वाज जन बी न्यूज़ पटना